नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा के युवा भाजपा नेता एवं समाज सेवी ने बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर बड़ा मलहरा OICRC रिछारिया को एक आवेदन दिया। कुड़ेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजना में जितनी लाइट नहीं आती उतने बिल आ रहे हैं, जिसे हम सब ग्रामीण बेहद परेशान हैं और लाइट जाने पर घंटों आती नहीं, और जब बड़ा मलहरा के विद्युत कार्यालय फ़ोन लगाया जाता है कोई कॉल रिसीव नहीं करता, जिससे हम लोगों को घंटों बिना लाइट इस उमस भरी गर्मी में रहना पड़ता है। इस संबंध में जब OIC बड़ा मलहरा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल ही बाजना क्षेत्र में एक शिविर लगाना है, जिसके माध्यम से इस समस्या को जल्द से ठीक कराया जाए। जो बड़े हुए बिल हैं उनकी भी जाँच करेंगे। इस आवेदन देने में लकी कुड़ेरिया के साथ मोहित राय, जिंतु बाजना, राजा पांडे और राहुल दुबे मौजूद रहे। लकी कुड़ेरिया, किन समस्याओं को लेकर आपने ये आवेदन दिया है? क्षेत्र में लाइट की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, लाइट की समस्या कटौती भी है और लाइन में लापरवाही उन लोगों के, गरीब लोगों के जो बड़े हुए बिल है, किसी का एक महीने में 13,000, किसी के 15,000, देने के लायक है भी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है अपने अभियंता कालपाल अभियंता जी को, छारिया जी को, और SSS में दिया है। इसी वजह से हम लोग देने जा रहे हैं कि लाइट पर बहुत ज़्यादा समस्या है और लाइन में थोड़ा लापरवाही होती जा रही है, और लाइट की कट जाए और उनको फ़ोन लगाओ कि आप आ जाएं तो बोलते हैं अभी नहीं आ पाऊँगा, बाद में सुधार दूंगा। यही समस्या है हम लोगों की। क्या मांग की आपने? मांग की है कि लाइट की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो और जो बड़े हुए बिल हैं उनका निराकरण किया जाए और जल्द से जल्द गरीब लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। सर, जैसे इन लोगों की मांग है कि लाइट आती नहीं है और बिल जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? उसके लिए आज बाजना में जिनके बढ़े हुए बिल हैं वहाँ से शिविर लगा रहे हैं और जिनकी भी जो समस्याएं होंगी बिलों से संबंधित उनको निपटारा किया जाएगा। रही लाइट की बात, अभी लंबी लंबी लाइनें हैं, 50-50 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं, कभी फॉल्ट हो जाती है उनको तुरंत दुरुस्त करवा लिया जाता है और मेंटेनेंस करवा दिया जाता है, चालू कर दी जाती है। और इनका ये भी कहना है कि जैसे फ़ोन लगाते हैं तो आप लोग मतलब यहाँ विभाग के द्वारा कोई रिसीव नहीं करता, इसके लिए क्या कहें? नहीं, विभाग के तो रिसीव करते हैं, क्योंकि क्षेत्र इनका बाजना पड़ता है तो बाजना वाले रिसीव करते हैं, बड़ा मलहरा वाले बड़ा मलहरा में रिसीव करते हैं। कभी हो जाता है जैसे काम करते हुए अगर वो खम्भे पे चढ़ा है नहीं रिसीव कर पाया तो वो बात अलग होती है, बकाया जनरल उनको सबको आदेश है कि किसी समय भी फोन आए आप अटेंड करें, वो अटेंड करेंगे, वो अगर नहीं कर रहे होंगे तो दोबारा निर्देशित किया जाएगा, वो करेंगे। कितने दिन लगेंगे इनकी समस्या हल होने में? समस्या तो आज ही शिविर लगा रहे हैं वहाँ पर जाकर के, और देखेंगे जो गलत होगा उसको सही करेंगे।